से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ में आज भी मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाली हूँ। कहा जाता है जो HSG टेस्ट है, कहा जाता नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जो हम इस पेन से बच सके? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि HSG टेस्ट जो होता है वो जो हमारी जो नले जो ब्लॉकेज होती है उसके लिए होता है, और उसके लिए सिर्फ एक यही टेस्ट है जो होता है। तो इस वजह से ये टेस्ट कराना भी उस टाइम पे अगर डॉक्टर को पॉसिबिलिटी लगती है तो जरूरी हो जाता है, तो वो टेस्ट आपको कराना ही पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं बताऊंगी आपको कि आगे की किस तरीके से आप इसके पेन से बच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बताऊंगी कि आप इसको टेस्ट को ना कराइएगा। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो प्लीज आप देरी ना करके इस टेस्ट को जरूर कराइएगा। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय। मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मैंने चेंज कर दिया। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्त में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो अब मैं आती हूँ अपनी मेन बात पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल क्या होता है कि बोला जाता है इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस पेन से बच सकते हैं? बिल्कुल है ऐसा रास्ता। सबसे पहले तो कई बार वो लोग आपको बोलेंगे दवाई लेके कि आप इस दवाई को इन दवाइयों को ले लीजिएगा, आपको पेन नहीं होगा। तो उस चीज पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। उन दवाइयों को लेने के बाद में भी आप अगर आप HSG टेस्ट में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल वो होता है। मेरे साथ में जो डॉक्टर थे उन्होंने ये प्रोसीजर किया था। तो दवाइयों को लेने के बाद में भी ऐसा नहीं होगा कि पेन नहीं होगा। तो दवाइयों पे ट्रस्ट मत कीजिएगा कि दवाई के बाद आपको पेन नहीं होगा, वो होगा ही। एक सिर्फ जो इसके पेन से बचने का रास्ता है वो है इंजेक्शन। वो आपको सुन करने का जो एरिया होता है, वो एरिया जहां पे टेस्ट किया जाता है उसको सुन करने का जरूर एक इंजेक्शन लगाएंगे। उस इंजेक्शन को लगाने का जो उनको आप बोलिएगा, अगर उनके पास में इंजेक्शन नहीं है तो उनको कहिएगा कि आप उसके पहले इंतजाम कीजिएगा। उसकी कॉस्ट वो 200-300 रुपए जो भी उसकी कॉस्ट आएगी वो फालतू लेंगे उसकी तो, बट वो आप उस दर्द से बच जाएंगे। वो हिस्सा जो होता है आपका सुन हो जाता है, फिर अगर वो टेस्ट करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये प्रोसीजर उनका हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को कि इसको मतलब टेस्ट को करने के बाद में चक्कर आने लगते हैं और मन अजीब सा हो जाता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। देखो इतनी सी चीज के अंदर जब दवाई डाल रहे हैं, वो भी दवाई इसे चुभने वाली जो, तो फिर आपको सोच सकते हैं कि पेन तो बिल्कुल होगा। और जब इतना ज्यादा पेन एक साथ इंसान सहन कर लेता है तो थोड़ा सा चक्कर आना ये वो प्रोसीजर नॉर्मल है इसके लिए। तो ये सब चीजें इसमें नॉर्मल है। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आप वो इंजेक्शन लगा लीजिए उससे पहले, अपने टेस्ट से पहले, और आप इस पेन से मुक्ति पा सकते हैं। बाद में थोड़ा बहुत आपको थकावट होगी क्योंकि इस टेस्ट के बाद में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिएगा। डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल उसमें आप बहुत जल्दी इसमें जा सकते हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप ये टेस्ट करा रहे हैं तो कम से कम एक दिन तो आपको रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इतनी पेनफुल अगर किसी प्रोसीजर से आप गुजर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट जरूर चाहिएगा। तो ये मेरी एक एडवाइस थी आप लोगों के लिए। और खाना वगैरह उसके बाद प्रॉपर खाइएगा, क्योंकि हो सकता है कमजोरी आ जाए। मुझे बहुत कमजोरी फील हुई थी इसके बाद में, और मेरा वेट भी बहुत जल्दी गिर गया था क्योंकि उसके बाद मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक जो ये टेस्ट कराने जा रहे हैं और जो ये डर रहे हैं कि मुझे इसमें बहुत पेन होगा। तो मिलते हैं नए में, टिल देन टाटा बाय बाय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बन जाइएगा मेरे साथ में, और बहुत सारी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है तो सब देख लीजिएगा। टाटा बाय बाय।